मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं आचार्य निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। ओम शांति शांति शांति। ओम चलो भैया तो आपके सामने चल रहा है रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्याम पाकयम् अनित्यम् च। ठीक है, इसके ऊपर न्यायबोधिनी 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 आपके पास जो कलाटिका है कलाटिका में है तो उसमें 15 नंबर पृष्ठ है। रूपादि तो चतुष्टय होते हैं, पृथ्वी में पाकज भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। ठीक है, और अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम चुका है, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। तो इसमें कैसे होता है पाक, पाक बोलते हैं विजातीय तेज संयोग। पृथ्वी में जो तेज का संयोग होता है उसी से पृथ्वी में रूपादि चतुष्टय होते हैं उत्पन्न, रूप रस गंध स्पर्श। ठीक है, तो कल बतलाया था आप लोगों को वैशेषिक मत में परमाणु में ही पाक होता है। कहाँ पर होता है, केवल परमाणु में तेज का जो संयोग हो जाएगा ना तो परमाणु में पाक हो जाएगा, परमाणु में रूप उत्पन्न हो जाएगा, रूपादि पार्थिव परमाणु रूप रस गंध स्पर्श। और जो नैयायिक लोग है, नया मत किसका है, महर्षि गौतम का है, उनका कहना है कि पूरे पिंड में घट के पूरे पिंड में पाक हो जाएगा, है कि नहीं, अवयव भी है और अवयव भी पूरे छोटे कोण से लेकर के अवयवी तक घट तक पूरे पिंड में पाक उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं पीठार पाकवादी नैयायिकों को। और वैशेषिकों को जो महर्षि कणाद का मत है वैशेषिक, उनके अनुसार तो भाई केवल परमाणु में पाक उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होगा, केवल परमाणु में पाक उत्पन्न होता है। ठीक है ना, हाँ, इसलिए जो है कैसे होता है इसी बात को यहाँ पर दिखा रहे हैं न्याय बुधने में। अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वपि पाक महिमना विजातीय द्रव्यांतर अनुभव। मिला सबको भैया, है ना, हाँ। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे पार्थिव परमाणु तो परमाणु ही है, सभी में पृथ्वीत्व रहेगा, तो सभी पार्थिव परमाणु में पृथ्वीत्व तो एक ही है, सारे पार्थिव परमाणु है, फिर भी पाक की महिमा से विलक्षण तेज संयोग रूपी जो पाक है उसकी महिमा से विजातीय द्रव्यांतर हो जाते हैं, अलग अलग पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे होते हैं इस बात को यहाँ पर दिखा रहे, यथा देख लो न्यायबोधिनी में गोभुक्त तृणादिनाम, गोभुक्त तृणादिनाम आ परमाणुअंतर्भंगे तृण आरंभक परमाणुषु विजातीय तेज संयोगात पूर्व रूपादि चतुष्टय नाशे तत् अनंतरम दुग्धे यादृशम रूपादिकम वर्तते तादृश रूपरस गंध स्पर्श जनक तेज संयोगात जानते तत् अनंतरम तैरेव तादृश रूपारसादय उत्पद्यन्ते। इतना समझ लो, एक मिनट लाइन पर रहो, लाइन पर ही रहिए।
अच्छा देख लो है। कहते हैं जता गो भुक्त तृणादीनाम, गोभी ही भुक्ता गोभी ही भुक्तम गो भुक्तम, गौ के द्वारा खाई गई जो तृणादि चारा चारा हरा हरा घास देते हो, चारा देते हो भूसा वगैरह जो भी है दाना मिला कर, गौ से खाया गया जो तृणादि है, गो भुक्त हो गए तृणादि, तृणादि हो गए ठीक है। हाँ तृणादि नाम वो जब खाएंगे गौ मैया तो सब नष्ट हो जाएंगे ना जितना खाएंगे, घास सब चबा चबा कर खा लेगी है कि नहीं, खिलाने की भी कला होती है, सब रंग नहीं खिला सकते, बड़े प्रेम से खिलाना पड़ता है, प्रेम से खिलाओगे तो दूध बढ़िया देती है कि नहीं। तो वो जब भंग हो जो नष्ट हो जाएगा जब खाएगी तो है ना, सब चबा चबा खा लेगी तो सब नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा तो कहाँ तक नष्ट हो जाएगा भाई, परमाणु तक नष्ट हो जाएगा। तो परमाणु का भी नाश हो जाएगा नहीं, परमाणु का नाश नहीं होगा, जो पार्थिव परमाणु है ना पार्थिव परमाणु तो रहेंगे, पार्थिव परमाणु को छोड़कर जितने भी थे देणु पर्यंत सब नष्ट हो जाएंगे है कि नहीं, परमाणु रह जाएगा जो खाएगी ना उसके परमाणु, घास के परमाणु जो पार्थिव परमाणु वो नष्ट नहीं होता है, ये इनका सिद्धांत है। इसलिए कह दिया आ आंग उपसर्ग है ना, आ परमाणंत भंगे, परमाणु पर्यंत नष्ट हो जाएंगे ठीक है ना राग। हाँ उसके बाद क्या होता है, तृणा आरंभक परमाणुषु, तृणा आरंभक परमाणुषु, वो तृण जो पैदा हुआ था ना खेती में उसका आरंभक कौन है, उसका जनक कौन है, परमाणु, परमाणु से तो घास पैदा हुआ था खेती में, इसलिए कहते हैं तृणा आरंभक परमाणुषु, उत्तीर्ण को आरंभ उत्पन्न करने वाले परमाणु अभी कहाँ पर आ गया, गौ माता के पेट में आ गया है कि नहीं, देखो भगवान की कैसी प्रक्रिया है। हाँ वो जो उसके अंदर गौ माता के अंदर जो तृण के जो परमाणु है छोटे छोटे कण अंतिम अवयव हो गए परमाणु, तो उसमें क्या होता है विजातीय तेज संयोग, उसमें विलक्षण तेज का संयोग हो गया, विलक्षण तेज कहाँ पर है, गौ माता के पेट में है कि नहीं, तेज तो है जठराग्नि है, तो जठराग्नि जो तेज है वो विजातीय तेज है विलक्षण तेज है भी, उसका संयोग हो जाएगा परमाणु के साथ कि द्रव्य और एवं संयोग, वो तेज भी द्रव्य है जठराग्नि, और वो जो है औदर्य तेज बोलते ना उसको, औदर्य तेज उधर में रहने वाला तेज का नाम क्या है, औदर्य तेज जो विजातीय तेज है उसका संयोग हो गया परमाणु में, फिर क्या होता है, हे भगवान गड़बड़ मामला है, गड़बड़ मामला है ठीक है। चलो दोबारा करते हैं, चलो भैया चलिए। तो कहते हैं देखो पूर्व रूपादे चतुष्टय नाशे, तेज का जब संयोग हो जाएगा तो जो पहले घास में रूपादि थे रूप रस हैं गंध और क्या है स्पर्श, ये जो तृण के अवयव में परमाणु में थे वो नष्ट हो गए, रूपादि चतुष्टय नाशे नष्ट जब हो जाएंगे, तत् अनंतरम उसके बाद जो है दुग्धे दुग्ध में यादृशम रूपादि काम वर्तते, जिस प्रकार दुग्ध में रूप होते हैं ना, रूप है रस है गंध है स्पर्श है, दूध जो बनेगा कि नहीं है, तो ऐसे जो रूपादि का है वो उत्पन्न हो जाते हैं, कहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे भैया, परमाणु में हो जाएंगे है कि नहीं, कैसे हो जाएंगे हैं, बोलते हैं वो तेज के संयोग से उत्पन्न हो जाएंगे, तादृश रूप रस गंध स्पर्श जनक कहा,
है ना। ये देखो वो रूप रस गंध स्पर्श उसको उत्पन्न करने वाले तेज का संयोग हो जाएगा कि नहीं, उसमें विलक्षण तेज का संयोग है। तद उत्तरम, फिर तेज का जो संयोग हो जाएगा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो नष्ट करने वाला तेज संयोग अलग है कि नहीं, और रूपादि को पैदा करने वाले तेज संयोग अलग है, ये बता रहे है ना। इसलिए तद उत्तरम तैरेव, तैरेव तैर कहने से कौन, तेज संयोग के द्वारा ही, तेज संयोग के द्वारा ही तादृश रूपाश रसादय उत्पद्यन्ते। इसलिए उसी प्रकार दुग्ध में जैसे रूप रसद दिखते हैं पीते हो, उसी प्रकार के परमाणु में उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं, परमाणु में रूप रसादि उत्पन्न हो जाएंगे। तादृश रूप रसादि विशिष्ट परमाणु भी, उसी प्रकार के रूप रसादि से विशिष्ट जो परमाणु है हो गया ना, उस परमाणु के द्वारा दुग्ध दणुकम आरभ्यते, दुग्ध का जो देणु दो परमाणु को जोड़ने पर देणु होता है, इनकी प्रक्रिया है, दो परमाणु को जोड़ने पर क्या बोलते हैं उसको, देणु बोलते हैं। आ दो परमाणु जुड़ गए फिर तीन देणु को जोड़ देंगे तो त्रेणुक हो जाता है, तीन देणु को जोड़ने पर, ततः त्रेणुकादि क्रमेण, वो ईश्वर की इच्छा से है ना, हाँ ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर जानता है सब, इसे त्रेणुकादि त्रेणुक उत्पन्न हो जाएगा, परमाणु से देणुक, हाँ फिर देणुक तीन देणु को जोड़ने पर त्रेणुक, उसी प्रकार बड़े हो करके फिर महादुग्ध आरंभ क्रम से, महादुग्ध मतलब क्या, जिसको पीते हो ऐसा महादुग्ध आरंभ हो जाएगा। देखो भगवान ने कैसा बनाया है गौमैया खाती है, खाती है घास, हरा हरा घास, और बनता है दूध सफेद हो जाता है, कैसे भगवान की लीला है कि नहीं, तो ऐसा विज्ञान हो सकता है, हरा घास से दूध बना दो, कभी नहीं हो सकता है हरा घास से दूध कभी नहीं बना सकते, क्यों राजू बना सकते हो हैं, कोई मशीन है जिसमें हरा घास डाल दो तो दूध निकल जाता हो हाँ 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 ये होता है, ये पार्थिव परमाणु में, पार्थिव परमाणु जल आदि में ऐसा नहीं होता है, जल आदि के रूप आदि पाकज नहीं होते, वो स्वाभाविक है। पार्थिव पदार्थ में जो रूप रसादि होते हैं, रूप और रस गंध स्पर्श, वो पाक से होते हैं, तेज संयोग से होते हैं, इनका सिद्धांत है भी। चलो ततः आगे त्रिणुकादि क्रमेण महादुग्ध आरंभ, इसी प्रकार त्रिणु आदि के क्रम से महादुग्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महादुग्ध उत्पन्न हो जाएगा, और क्या है ना, ये इनका सिद्धांत है, ठीक है भैया। हाँ चलो ये चलिए उसके बाद ततः त्रेणुकादि क्रमेण महादुग्ध आरंभ एवं दुग्ध आरंभ कई परमाणु भी एवं दधि आरभ्य थे। ये देखो दूध बन गया ना दूध है, दूध का मूल कारण कौन है, परमाणु छोटे छोटे कण, दुग्ध को उत्पन्न करने वाले जो परमाणु है उसी परमाणु से फिर दही आदन दही बन जाएगा फिर क्या बन जाएगा, दही में भी ऐसा ही है, जब तेज संयोग हो जाएगा तो वो जो दुग्ध के जो परमाणु है छोटे छोटे उसी में जो दुग्ध का जो रूप रस आदि है वो नष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं, फिर देणु हो जाएगा दही के धणी को, दही के देणु तेणु होकर फिर दही बन जाएगी, दही जम जाएगी, है कि नहीं, ऐसा होता है। इसलिए दही जमाने के लिए भी कितना तेज होना चाहिए वो भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं, उसी प्रकार होता है, ज़्यादा ठंडी होगी तो फिर दही नहीं जमती है ये तो सब जानते हो,
सब लोग दही जमा नहीं सकते, है ना। इसलिए गर्मी में वो कितना दूध गर्म होना चाहिए, ठंडी में कितना होना चाहिए, है वो सब ज्ञान चाहिए ना, कितना टाइम में जमता है ये सब ज्ञान होना चाहिए। एवं इसी प्रकार से आप दही बना दिए भाई, देखो तृणा से दूध बन गया, दूध से फिर दही बना दिए, फिर दही से क्या है, फिर मक्खन बनाते हो। देखो लिखे एवं पाक महिमना, पाक की महिमा से दधि आरंभ कर एव परमाणु भी, दधि को आरंभ करने वाले, उत्पन्न करने वाले जो परमाणु है, उस परमाणु से फिर क्या बन जाएगा, मक्खन। नवनीतादिकम इति, नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन के बाद, मक्खन के बाद क्या है, मक्खन के बाद होता है घी, तो घी बन जाएगा, घी बन जाएगा और क्या, ये होता है। फिर उपाधि चतुष्टय का विचार हो गया। उसके बाद देखो भैया, उसके बाद होता है संख्या, 24 गुण है कि नहीं, रूप रस गंध स्पर्श, ये चार हो गए, रूप रस गंध स्पर्श चार है ना। हाँ, उसके बाद जो है स्पर्श के बाद क्या है, संख्या। संख्या का लक्षण बतला रहे हैं भैया, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, ये संख्या का लक्षण है। देखो कहते हैं ये जो व्यवहार हो रहा है ना, अयम एक है, ये व्यवहार हो रहा है, इमौ दौ ये दो है, ये व्यवहार हो रहा है, ये जो व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार का हेतु कौन है, संख्या। घट में एकत्व तो संख्या है, इसलिए अयम घट है, ये घड़ा कितना है, एक है, एक घट है बोलते हो ना। हाँ, दो घड़ा है तो दो घटो, ये जो व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार का हेतु क्या है, संख्या है। उस घटपटादि में एक संख्या है, संख्या नामक गुण है, उसके कारण इस प्रकार व्यवहार हो रहा है, ऐसा है। ठीक है, अच्छा। सा नवद्रव्य वृत्ति ही, वो जो संख्या है नौ द्रव्य में रहती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, है कि नहीं, सभी में रहेगा। पृथ्वी में तो है ही, आकाश में भी रहेगा। संख्या कितना आकाश है, एक आकाश है, इसलिए आकाश में एकत्व तो संख्या भी रहेगी। काल में भी, काल भी तो एक ही है, वो तो केवल भेद कर दिया उपाधि के भेद से, है तो काल एक ही है, काल में भी एकत्व तो संख्या रहेगी। दिशा, दिशा भी एक ही है ना। हाँ, तो दिशा में भी एकत्व तो संख्या रहेगी। और क्या, आत्मा में भी, आत्मा भी बहुत है, आत्मा भी रहेगी, मन भी बहुत है, ऐसी प्रकार से। अच्छा, तो बोलते हैं संख्या की कोई सीमा है कि नहीं, बोलते हैं सीमा है। देखो एकत्वाधि परार्ध पर्यंता, एकत्व से लेकर के परार्ध पर्यंत, ये पदकृत्य में बताएंगे, पदकृत्य में बताएंगे, परार्ध पर्यंत, उसके बाद अनंत और क्या है, परार्ध के बाद क्या है, अनंत है और क्या, कोई गिनती नहीं है, गिनती तो करोगे परार्ध पर्यंत, ये पदकृत्य में बता जाएगा, है ना। ऐसा आता है। उसके बाद एकत्वम नित्यम अनित्यम, जो एकत्व जो संख्या है, एक में एकत्व रहेगी ना, एकत्व संख्या जो है नित्य भी है और अनित्य भी है। एकत्व संख्या नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, समझना पड़ेगा, बताएंगे अभी। कैसे भाई, नित्य भी होती है अनित्य भी होती है, कैसे बताते हैं। देखो नित्यगतम नित्यम, नित्य पदार्थ में जो संख्या रहेगी वो तो नित्य रहेगी। जैसे मान लीजिए आकाश है, आकाश है कि नहीं, आकाश में जो संख्या रहेगी एकत्व तो संख्या, तो कब तक रहेगी, अरे जब तक तो आकाश है तब तक तो एकत्व तो संख्या रहेगी। इसलिए क्या हुआ, आकाश आदि जो नित्य पदार्थ है उसमें जो संख्या है एकत्व तो संख्या, वो क्या है, नित्य है कि नहीं।
और अनित्यगतम अनित्यम, जो अनित्य पदार्थ में जो एकत्व संयोग, जैसे घट आपके सामने है, घट है, घट में एक घट है तो घट में क्या संख्या रहेगी? एकत्व संख्या रहेगी। और घट फूट गया तो एकत्व संख्या नहीं रही, नष्ट हो गई। इसलिए बोलते हैं अनित्यगतम अनित्यम, अनित्य पदार्थ में जो एकत्व संख्या रहेगी वो तो अनित्य है, हो गया ना। अच्छा अब देखो ये सुन लो ठीक से भैया, वो कहते हैं द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यम एव। द्वित्वादि जो संख्या है उसका कारण होता है निमित्त कारण अपेक्षा बुद्धि, जरा समझना पड़ेगा। राजू सुन रहे हो? तुम तो भी चले जाओगे। हाँ कोई बात नहीं, हाँ सुन रहे हो ना, ठीक है फिर। तो देखो द्वित्व जो संख्या होती है वो अपेक्षा बुद्धि से होती है, ये समझना पड़ेगा। अपेक्षा बुद्धि क्या जानते हो? देखो बच्चों को समझाते ना, मैं दो ठो कलम रख दिया, वो बताना पड़ता है ना, पढ़ाते हो आप लोग जानते हो, एक फिर उसके बाद बोलते हो ये दो एक, फिर दूसरे उंगली को दिखा दिया दो, है ना, संख्या बताते हो ना उसको, तो पहले हाँ आयाम एक, ये एक है ये दो है, उसके बाद उनको ज्ञान हुआ कि नहीं, इसको बोलते हैं अपेक्षा बुद्धि। अपेक्षा बुद्धि होने पर उसमें द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है, ये इनका सिद्धांत है कि नहीं। क्या ज्ञान होने पर? अपेक्षा बुद्धि। किस प्रकार अपेक्षा बुद्धि? आयाम एक है, ये एक है, ये एक है, तो मिला दिया तो कितना हो गया? दो। ये सिखाते हैं ना, इसको बोलते हैं अपेक्षा बुद्धि। अपेक्षा बुद्धि होने पर उसमें द्वित्व संख्या होगी, ऐसा ये बताया ना, ये एक है, ये एक है, इधर दिखा देना बच्चों को, बच्चों को दिखा दिया, पढ़ा रहे हो कि नहीं, एक बच्चा जान लेते कि नहीं, फिर इसका ये एक है तो मिला दिया तो कितना हो गया? दो हो गया, इसका नाम अपेक्षा बुद्धि है। अयम एक अयम एक ये व्यवहार करते हो ना, इसका नाम क्या है? अपेक्षा बुद्धि है ना। अच्छा जरा समझना पड़ेगा, ये जो अपेक्षा बुद्धि होती है वो हमेशा नहीं रहेगी। नया के लोग क्या मानते हैं भाई, ये ज्ञान होता है क्षणिक, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान को क्षणिक मानते हैं। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा ना, आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान क्षणिक होता है, प्रथम क्षण में उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण में रहेगा, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानते हैं ये लोग, नए के लोग, ठीक है। प्रथम यहाँ प्रथम क्षण में जो ज्ञान उत्पन्न हो गया, अपेक्षा बुद्धि हुई, अपेक्षा बुद्धि होने पर क्या हुआ, फिर द्वित्व संख्या हुई, क्या हुई, द्वित्व संख्या हुई। जरा सा ठीक से समझ लो, तो नया के लोग जो है दो प्रकार ज्ञान मानते हैं, दो प्रकार ज्ञान, एक होता है सविकल्प ज्ञान, एक होता है निर्विकल्प ज्ञान, आगे बताया जाएगा। सविकल्प का ज्ञान, निर्विकल्प का ज्ञान। निर्विकल्प का ज्ञान क्या होता है, जथेदम किंचित, जैसे मान लो कि दूर से आप देख रहे हो समुद्र किनारे, लेकिन इंडिया गेट पर, गेट ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, गेट ऑफ इंडिया, तो गेट ऑफ इंडिया में खड़े हो भाई और दूर से देख रहे हो, बहुत दूर से 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर समुद्र में देख रहे हो, है तो फिर कुछ तो है, कुछ तो है, इसको क्या बोलते हैं, क्या है पूछेंगे तो पता नहीं, कुछ तो है। है तो यथार्थ है लेकिन क्या है नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं निर्विकल्प का ज्ञान, उसमें कोई प्रकार नहीं है, कोई विशेष विशेषण नहीं है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प ज्ञान। कुछ है हिंदी में यथेदम किंचित, यथा इदम किंचित, कुछ है। पहले निर्विकल्प ज्ञान होता है, प्रथम क्षण में क्या होता है, घट को भी देखोगे ना पहले,
पहले तो निर्विकल्प ज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान हो सब विकल्प हो उससे पहले निर्विकल्प ज्ञान होता है, ऐसा होता है प्रथम क्षण में, उसके बाद सब विकल्प ज्ञान होता है कि नहीं, कुछ है ये ज्ञान है निर्विकल्प, फिर उसके बाद होता है सविकल्प ज्ञान, वो नाभ जैसे पास में आएगा ना तो सविकल्प ज्ञान हो गया, अरे ये तो नाभ है भी, नाभ है ये। इसी प्रकार से वो कौन सा ज्ञान हुआ, सविकल्प ज्ञान हुआ, पहले निर्विकल्प ज्ञान होता है उसके बाद सविकल्प, अयम घट ये होगा सविकल्प, तो घटक घट का जो ज्ञान होता है सविकल्प ज्ञान इसलिए है क्योंकि तो घटत्व भी है, घटत्व प्रकार ज्ञान को कहेंगे सविकल्प ज्ञान। क्या है बोले घट है, बोलते हो कि नहीं, क्या है ये घट है, घट कहने से उसमें घटत्व का भी ज्ञान हो रहा है, घट अनेक है कि नहीं, तो घट के साथ साथ घटत्व जो जाती है उसका ज्ञान भी होता है, घटत्व हो गया प्रकार विशेष, घट हो गया विशेष, ये होता है घट ज्ञान में घटत्व प्रकार है और घट विशेष हो गया, धन्यवाद। इसको क्या बोलते हैं, सविकल्प को अथवा सब प्रकार को, हो गया ना। इसी प्रकार से यह द्वित्व का जो ज्ञान होगा, पहले क्या होगा सविकल्प ज्ञान होगा कि नहीं, पहले क्या होगा सविकल्प ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा निर्विकल्प ज्ञान हो जाएगा, अच्छा घंटी बजे निर्विकल्प ज्ञान हो जाएगा, तो निर्विकल्प ज्ञान होने के बाद क्या होगा द्वित्व संख्या होगी, द्वितीय संख्या की उत्पत्ति होगी, द्वितीय संख्या होगी है कि नहीं। लेकिन ज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तृतीय क्षण में, तो तृतीय क्षण में जब नष्ट हो जाएगा तो द्वितीय संख्या नहीं रहेगी, ज्ञान के बिना कहाँ संख्या रहेगी, द्वितीय संख्या कौन सा ज्ञान, अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि होने पर द्वितीय संख्या की उत्पत्ति हुई, द्वितीय संख्या की जब उत्पत्ति हुई तो ज्ञान तुमको होगा, पहले कौन सा ज्ञान होगा, ये दो घड़े है ये तो ज्ञान है ना, ये दो घड़े है ऐसा ज्ञान होने से पहले सविकल्प ज्ञान होगा, सविकल्प ज्ञान के बाद ये निर्विकल्प गलत बन गया, निर्विकल्प ज्ञान होगा, निर्विकल्प ज्ञान के बाद ये दो घड़े है इसको बोले सविकल्प ज्ञान है। उसके बाद अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो गई, पहले जो अपेक्षा बुद्धि थी ये एक है ये एक है मिल करके दो, इसको बोलता अपेक्षा बुद्धि, ये अपेक्षा बुद्धि नहीं रही, अपेक्षा बुद्धि ना होने से द्वितीय संख्या भी नष्ट हो जाएगी, ये इनका सिद्धांत है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं हाँ प्रथम वाला सिद्धांत, हाँ हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वेदांत सिद्धांत वाले बोलते हैं कि इसको इससे अतिरिक्त एक ज्ञान है, इससे अतिरिक्त एक ज्ञान है वो आत्मा का स्वरूप है ये मानते हैं, है ना। और अंतर भी है कि ये लोग आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न मानते हैं, है कि नहीं, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, वेदांती लोग नहीं मानते हैं, है ना। वेदांति लोग आत्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा ज्ञान का स्वरूप है। अरे घट ज्ञान पट ज्ञान जो होता है ना, ये मन का ज्ञान है, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है, चलो द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव, द्वित्व है त्रित्व है चतुष्टव, ये जो संख्या है ये हमेशा तो अनित्य ही होगा। क्यों अनित्य होगा भैया, चाहे घट में द्वित्व हो वो भी अपेक्षा बुद्धि से होगा, चाहे दो परमाणु में द्वित्व संख्या हो वो भी अपेक्षा बुद्धि है, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि जब नाश हो जाएगी, कारण का नाश हो गया तो कार्य का नाश हो जाएगा। द्वित्व संख्या का कारण कौन बताया, कौन है, अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि नहीं रहेगी वो तो नष्ट हो जाएगी, है ना, इसलिए अनित्यम एव, हो गया ना भाई। अच्छा पदकृत्य में देखो, है पदकृत्य में एकत्वादि प्रकार को यो व्यवहार, देखो अभी बताया ना ये घड़ा है तो घड़ा में क्या प्रकार हुआ घटत्व, इसी प्रकार अयम घट, अयम एक घट, घट एक
ये जो ज्ञान हो रहा है इसमें प्रकार कौन हो गया, एकत्व। दो घटो प्रकार क्या हो गया, द्वित्व है। और त्रयः घटः, तीन घड़ा है तो संख्या क्या है, तृतीय संख्या। एकत्व आदि प्रकार को यो व्यवहार, एकत्व आदि प्रकार वाला जो सविकल्प ज्ञान है, ये एक घड़ा है, दो घड़ा है, तीन घड़ा है, ये जो व्यवहार तुम कर रहे हो इसका हेतु कौन है, संख्या है, ये बता रहा। देखो एक हो, दो इत्यादि आत्मक, ये व्यवहार कह दिया, ये एक है, दो है, तीन है, चार है, तस्य हेतु, तो व्यवहार का हेतु कौन है, संख्या। तो घटपटादि में संख्या है, एकत्व आदि संख्या है, गुण है, इसलिए ऐसा व्यवहार हो रहा है कि नहीं। अच्छा इसके ऊपर पदकृत्य भी है, देखो घटादि बाणाय एकत्वादिति, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, एकत्वादि को छोड़ दो कितना रहेगा, व्यवहार हेतु हो संख्या, व्यवहार का हेतु है, तो व्यवहार का हेतु घट भी है कि नहीं, घट से व्यवहार करते हो ना, तो मैया जो है मटकी से जल ले आता है, ले आती है, उसमें रखती है जल, तो व्यवहार तो हो रहा है ना घटपट आदि का, तो व्यवहार का हेतु घट भी है, तो घट आदि में लक्षण चला गया इसलिए अतिव्याप्ति दोष हो गया। कालादि बाणाय असाधारण इत्यादि देयम्, हेतु बोल दिया ना, हेतु कितने प्रकार के मालूम जानते, आप लोग जानते हो, हेतु दो प्रकार के, एक साधारण कारण, एक असाधारण कारण, लेकिन नहीं कोई एक विशेष कार्य के प्रति कारण हो उसको बोलते हैं असाधारण कारण, जैसे घट के प्रति मिट्टी, घट के प्रति दंड, लेकिन ये सब क्या हो जाएंगे असाधारण, पॉट के प्रति तो नहीं है मिट्टी, ओके ना, ये असाधारण हो गया। अगर सकल कार्य के प्रति जो कारण हो, कार्यत्व अवच्छिन्न सकल कार्य के प्रति जो कारण हो उसको बोलते हैं साधारण कारण। साधारण कारण कितने हो तो जानते हैं अभी लोग नहीं, हाँ इसस्त विज्ञान यत्नी इच्छा कालो दृष्टम दिव्य वच प्राक प्रतिबंध का भावो कार्य साधारण स्मृता, इसको बोलते हैं साधारण, सकल कार्य के प्रति ईश्वर कारण, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का ज्ञान, काल है, दिशा, ये सब होते हैं। देखो यहाँ पर लिख दिया, यदि आप इतना ही करोगे, एकत्वादि व्यवहार हेतु, ये जो व्यवहार कर रहे हो ना, ये तो शब्द प्रयोग है, ये शब्द प्रयोग का हेतु व्यवहार, ये भी तो कार्य हुआ ना, शब्द जो शब्द व्यवहार हो रहा है, ये एक है, दो है, ये तो कार्य हो गया, तो कार्य किसी न किसी काल में तो होगा, तो काल में लक्षण चला गया भैया, काल तो साधारण कारण है कि नहीं, इसलिए असाधारण पद दे देंगे, एकत्वादि व्यवहार असाधारण हेतु है, तब काल में नहीं जाएगा, कालादि जो साधारण कारण है, आदि से क्या लेंगे, दिशा ले लो, ईश्वर ले लो है, असाधारण देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि वो तो साधारण कारण है। अच्छा ननु संख्या यह अवधिर अस्ति न वा, अरे भाई संख्या जो बोलते हैं उसकी कोई सीमा है कि नहीं, कहाँ तक संख्या है, तो बोलते हैं एकत्व आदि परार्थ पर्यंत, एकत्व से लेकर के परार्थ पर्यंत संख्या होते हैं, उससे आगे कोई संख्या नहीं। इसमें पुराण में आया, पुराण में ये श्लोक दिया है ना, मैं पुराण का है, कौन सा पुराण है पता नहीं, है तो पुराण का है, मुझे स्मरण में, एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षं च नियतं चैव कोटिर्भूत कोटि अर्बुदमेव च वृंदं खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागरः अंत्यं मध्यं परार्धं च दश वृद्ध्या यथा क्रमम् इति महत उक्ते है परार्ध पर्यंता एव संख्या इति भावः। ये देखो ये किसी पुराण का है,
इसे पूर्णांक है। तो बोलते हैं पहला कहाँ से शुरू हुआ, एक हाँ दस दस गुना कर लो बस दस दस गुना एक दस सत्तर फिर दस गुना सौ हो गया, फिर उसका दस गुना कितना हजार हो गया, एक हजार का दस गुना क्या होता है, दस हजार को क्या बोलते हैं, एक अयुत, दस हजार को एक अयुत बोलते हैं। आजकल व्यवहार में इतना नहीं है, पहले सब होता था दस गुना है ना, दस दस गुना करो दस दस हजार का नाम अयुत है, और उसका दस गुना दस अयुत का नाम एक लाख हो गया, एक लाख है कि नहीं, हाँ एक लखपति हो गया। आजकल किसी को लखपति नहीं बोलते हैं, लखपति तो आजकल सामान्य है, तो रिक्शा वाला भी लखपति है और क्या। तो और उसके बाद न्यूनतम दस लाख को बोलते हैं नियुत, तो दस नियुत को बोलते हैं कितना, दस नियुत को बोलते हैं एक करोड़, मतलब यहाँ एक करोड़ मतलब कितना सौ लाख हो गया अब दस कोटी, कोटि का दस गुना, दस कोटि का नाम क्या अर्बुद, दस अर्बुद का नाम एक वृंद हो गया, और दस वृंद का नाम एक खरब, और दस खरब का नाम एक निखरब हो गया, दस निखरब का नाम एक शंख, शंख भी संख्या है और दस शंख का नाम एक पद्म हो गया, एक पद्म, और दस पद्म का नाम एक सागर, सागर भी संख्या को भी सागर बोलते हैं है ना, और दस सागर का नाम एक अंत्य हो गया, दस अंत्य का नाम मध्य, दस मध्य का नाम परार्ध, बस उससे आगे कुछ नहीं, बस अनंत बोल दो, बस कोई गिनती नहीं, उससे कहाँ तक गिनती करो है ना, ये सब कह दिया। फिर एकत्व से लेकर के परार्ध पर्यंत ये संख्या और क्या, इतना ही व्यवहार होता है हाँ, वहाँ तक बुद्धि नहीं चलेगी तो अनंत बोलना और क्या हो गया ना, बस आगे परिमाण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।